आज की हमारी सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल की अगली क्लास। और पुनीत जी, आपने सेलफोन से ज्वाइन किया है, इस कारण से सेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपने यूट्यूब पे डाल दूंगा। यूट्यूब पे सर्च पेज पे जाके आईपीटी इंडिया को सर्च करेंगे तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे। और हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था डेटा समराइजेशन कि अगर आप कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें आप समरी पिवट टेबल के माध्यम से कैसे निकालेंगे, ये हमारी लास्ट क्लासेस का टॉपिक था। उससे पहले की क्लासेस में मैंने एक्सेल की बेसिक कंसेप्ट जैसे कॉपी पेस्ट करना, पेस्ट स्पेशल करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग कंडीशनल, प्रोटेक्शन, सॉर्टिंग, फिल्टर वगैरह पढ़ाया था, जो कि जनरली सबको आता ही है। फिर भी राजीव जी, हम आपको एक रिफ्रेश क्लास इस वीकेंड पे दे देंगे सबके साथ, ताकि आप रिफ्रेश हो जाएंगे बाकी टॉपिक पे। ओके। और मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ ताकि बैकग्राउंड शोर ना आए, जब भी कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो पिवट टेबल में अगली जो टॉपिक हमारी है वो अगली टॉपिक है कि समराइजेशन के बाद क्या करें। और तो चलिए हम बात करते हैं ग्रुपिंग, शॉर्टिंग, मूविंग ऐसे ऑप्शन के बारे में पिवट टेबल के। तो हम इंसर्ट जाते हैं पिवट टेबल में। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं, हमारे पास एक और फीचर है 2013, 16 और 19 में आया हुआ है, रिकमेंडेड पिवट टेबल। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें पिवट टेबल को एनालाइज करके बताता है कि इसमें कितने तरह के इस डेटा के ऊपर किन किन तरह के पिवट लग सकते हैं। तो ये चीज यहाँ आपको दिखाया जा रहा है। अब इसमें से जो चूज है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, उसको सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक नई सीट ऐड होगी और पिवट टेबल वहां पे आप जाके खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। अब इसमें क्रिएट करने की बात आती है, जैसे मान लीजिए कि मैंने डिपार्टमेंट को यहाँ रखा और हम सैलरी को यहाँ रखते हैं। अब बात करते हैं शॉर्टिंग की। मुझे अगर हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट शॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम इस पे राइट क्लिक, कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे शॉर्ट, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, मतलब कि जो हमारा लेवल है उसके अकॉर्डिंग करना है, तो राइट क्लिक करके यहाँ भी हम सेम शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए कर सकते हैं। दूसरी चीज कि इसमें कुछ नाम अगर मान लीजिए हेडिंग नहीं है तो आप यहाँ हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। पिवट टेबल में आप हर एक चीज को चेंज कर सकते हैं, सिवाय कि आपका जो टोटल आता है, जो वैल्यू कॉलम से, उनको छोड़ के आप बाकी हर एक चीज को शॉर्ट कर सकते हो, सॉरी चेंज कर सकते हो। तो शॉर्ट करने के लिए हमने राइट क्लिक किया और यहां से शॉर्ट स्मॉल लार्जेस्ट, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट को हमने शॉर्ट किया तो हमारा ये शॉर्ट हो गया, राइट सर। लेकिन शॉर्ट्स के बाद हम बात करते हैं मूविंग के बारे में कि मूविंग में क्या ऑप्शंस है। तो मूविंग में हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम सॉर्ट करते हैं तो डेटा अल्फाबेटिक ऊपर नीचे जाता है। मुझे डेटा को अल्फाबेटिक ऊपर नीचे नहीं करना है, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे टॉप पे आना चाहिए, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, यहीं पे आपको दिखेगा मूव और मूव ह्यूमन रिसोर्स टू बिगिनिंग। उसके अलावा यहाँ और भी ऑप्शंस है, उसको भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, मूविंग अप डाउन लेफ्ट राइट कॉलम रो, ऐसे इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब इसमें बोलोगे कि इसमें लेफ्ट राइट एंड क्यों ये है, बेसिकली ये आपका डेटा रो वाइज है, ये आपका कॉलम वाइज है। जब डेटा कॉलम में जाएगा तो कॉलम के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट सर? अब शॉर्टिंग के बाद हम बात करते हैं फिल्टर की। तो फिल्टर जो है बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा लेवल फिल्टर, दूसरा होता है पेज फिल्टर। हम बात करते हैं लेवल फिल्टर की। जैसे मान लीजिए कि इसमें मुझे डी, जो डी करके जो जितने भी आ रहे हैं ये मुझे नहीं चाहिए,
तो मैं राइट क्लिक इस पे क्लिक करूंगा और यहां से इसको अनचेक कर सकता हूं। या इसी में ही चाहिए या इसको नहीं चाहिए, जिस पर क्लिक करूंगा वो शो करेगा, जिसको क्लिक नहीं करूंगा वो शो नहीं करेगा। लेकिन मुझे इस पे कंडीशंस देने हैं, तो ऊपर देखिए लेवल फिल्टर दिख रहा है आपको, यहां से आप अपनी कंडीशन दे सकते हैं इक्वल टू एक पर्टिकुलर वर्ड के अकॉर्डिंग आप फिल्टर करना चाहते हो, डज नॉट इक्वल टू इसके अलावा विगेन विथ, डज नॉट एंड विगेन विथ एंड विथ डज नॉट एंड विथ contain does not contain greater than equal to less than equal to between not between, ये सारे कंडीशन आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम वैल्यू फिल्टर की बात करें तो वैल्यू इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग फिल्टर होगा। अगर मैं यहाँ वैल्यू फिल्टर पे गया और मैंने बोला कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू या टॉप 10 या टॉप 5 या टॉप 10 कर दिया, तो यहाँ से टॉप 10 या बॉटम 10 को मैं फिल्टर कर सकता हूँ। तो जो वैल्यू फिल्टर होता है वो आपका होता है जो सामने वैल्यू होती है उसके लिए, जो लेवल फिल्टर होता है तो उसके लिए होती है। लेकिन फिल्टर का सिंबल एक ही पे होता है, उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आपका डेटा रो एंड कॉलम दोनों में हो, तो जैसे कि मैं मंथ को उठाया और कॉलम में रख दिया, तो आप देखिए कि यहाँ डिपार्टमेंट के ऊपर फिल्टर है। अगर मैं ऊपर मंथ लिख देता हूँ, उसको चेंज कर देता हूँ, तो मंथ के आगे फिल्टर है। अब मैं इसमें जो फिल्टर करूंगा लेवल, तो लेवल अकॉर्डिंग होगा, और वैल्यू करूंगा तो वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, मतलब कॉलम वाइज नहीं रो वाइज वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा। तो आप फिल्टर दोनों वे से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर हम पेज फिल्टर की बात करें, मतलब कि मैं चाहता हूं कि ओवरऑल फिल्टर होना चाहिए, तो उस केस में हम फिल्टर उसको जिसके अकॉर्डिंग फिल्टर करना है उस फील्ड को उठा के हम फिल्टर पे रखते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। पुणे सेलेक्ट कर लिया तो पुणे का होगा, कोलकाता सेलेक्ट किया तो कोलकाता का होगा। तो जो सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा फिल्टर आएगा। तो पेज फिल्टर इसमें भी कई सारे फिल्टर रख सकते हैं, परफॉर्मेंस स्कोर रख दिया तो आप यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको और डिजिटलाइजेशन बनाने के लिए हम स्लाइसर यूज करते हैं, लेकिन स्लाइसर हम आपको आगे की क्लासेस में बताएंगे। तो तीन टॉपिक मैंने कवर किया, सॉर्टिंग, मूविंग एंड फिल्टर। कोई डाउट इसमें सर? पुनीत जी, राजीव जी, नितिन जी और बाकी लोग हैं, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब सॉर्टिंग फिल्टर के बाद आता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग को देखिए, थोड़ा सा ग्रुपिंग थोड़ा सा एडवांस है, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो देखिए। ग्रुपिंग का यूज कब क्यों होता है? जब कई सारे टेक्स्ट या नंबर को हमें एक स्लैब या एक सिलेक्टेड को हमें ये करना होता है, मतलब एक साथ कंबाइन करना होता है, तब हम इसका ग्रुपिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ए जो नंबर आ रहा है D1 to 3 D, ये सारे हमारे वेंडर कोड है। मतलब कि कुछ तो हमारे एम्प्लॉय है जो कि डायरेक्ट पेरोल पे है, कुछ ऐसे एम्प्लॉय है जो कि ऑफ रोल पे है। तो जो ऑफ रोल पे है मैं उनको एक साथ वेंडर है, तो मैं उनको एक साथ क्लब करके मैं वेंडर का शो करना चाहता हूँ कि वेंडर है। तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम ग्रुप पे जाते हैं। अब ग्रुप होने के साथ देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट 2 एंड डिपार्टमेंट आ गया, तो मैं डिपार्टमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ ग्रुप वन। और जैसे मैं बताया मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे वेंडर कर दिया तो हो गया। अब दूसरी चीज क्या, हमने जब ग्रुप किया था तो हमने इकट्ठा सिलेक्ट किया था, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में ही सिलेक्शन हो, आप कंट्रोल प्रेस करके भी कई सारे सेल्स को सिलेक्ट कर ले, जो सिलेक्ट करोगे वो आपके ग्रुपिंग में आ जाएगा।
ये थी हमारी टेक्स्ट ग्रुप की, और सिर्फ ये नंबर भी नहीं, आप चाहो तो इसको रो में नहीं कॉलम में भी कर सकते, कॉलम में रख दिया। इसी तरह से मुझे मान लीजिए कि जैन फैब और सॉरी यहाँ जैन फैब और मार्च को करना है, इसको देना है क्वार्टर, तो ग्रुप हमने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ पे मंथ टू आ गया तो मैंने पहले वाले मंथ को हटा दिया। तो यहाँ पे देखिए कि ग्रुप वन आ गया, तो हम यहाँ पे यहाँ इसका नाम देता हूँ क्वार्टर वन, और ऐसे हम बाकी को भी ग्रुप कर देंगे, तो हमारा मंथली नहीं क्वार्टरली रिपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अप्रैल मई जून ले लिया क्वार्टर टू के लिए, यहाँ पे राइट क्लिक एंड हमने इसको ग्रुप कर दिया, और ग्रुप टू को यहाँ पे हम कर देते हैं क्वार्टर टू, एंड ऐसे आपको जुलाई अगस्त सितंबर राइट क्लिक ग्रुप, ये आपका हो गया क्वार्टर थ्री एंड लास्ट ऑफ द क्वार्टर वन। ठीक है सर, तो आप इसको रो एंड कॉलम में इस तरह से ग्रुप करोगे तो आपका डेटा और समराइज हो सकता है। टैक्स ग्रुप करना आ गया आपको, अब देखिए अरेंज नहीं है, तो राइट क्लिक करके मैं शॉर्ट करता हूँ ए टू जेड, तो देखिए अरेंज हो गया। तो अगर मैं इस पर क्लिक किया तो हॉरिजॉन्टली होगा, इस पर किया तो वर्टिकली होगा, तो ध्यान रखिएगा सर। तो आप दोनों वे में आपको शॉर्ट कर सकते हो। तो टैक्स की शॉर्टिंग समझ में आ गई राजीव जी, नितिन जी, मुकुल जी? यस सर, डाउट तो नहीं इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला ग्रुप आता है, वो आता है नंबर का ग्रुप। चलिए नंबर के ग्रुप भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने सैलरी ये रखा और हमने काउंट ये रखा एम्प्लॉय कोड का या नेम का काउंट कर दिया, तो इसमें क्या है कि 2000 पाने वाले एक है, 85 से 45 वाले एक है, 20 वाले एक है, तो इस तरह का है तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है ना। मैं यहाँ पे स्लैब देना चाहता हूँ कि 0 से 10,000 वाले कितने लोग हैं, 10,000 से 20,000 वाले कितने हैं, या 20,000 से 40,000 वाले कितने, में एक पर्टिकुलर स्लैब हम देना चाहते हैं, तो वो भी हम ग्रुप के माध्यम से दे सकते हैं। तो हम नंबर को सिलेक्ट किए और हम इसको कर देते हैं ग्रुप। ग्रुप में यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग आपके मैक्सिमम और मिनिमम के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाता है, तो मैं यहाँ मैक्सिमम मिनिमम नहीं, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से 0 डाल सकता हूँ या कुछ भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, और 10,000 भी डिफॉल्ट आता है, तो यहाँ भी आप अपने हिसाब से चीजें दे सकते हो। देन ओके, तो यहाँ देखिए 0 से 9,999 का 2 है, ये है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो नंबर की ग्रुपिंग को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब नंबर की ग्रुपिंग के बाद जो अगला ग्रुपिंग आता है वो आता है डेट एंड डेट की ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग करते समय एक चीज का ध्यान और रखना होगा कि आपके अंदर जो डेटा है वो एक सेम फॉर्मेट का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इसमें सैलरी में कोई नंबर आ गया तो भी गड़बड़ है, तो नंबर नहीं आने चाहिए, या फिर जिस कैटेगरी का डेटा है उसी कैटेगरी का होना चाहिए। अब हम डेट की ग्रुपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने इसको पिवट टेबल लगाया, और पिवट टेबल लगाने के साथ मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट दे दिया कि यहाँ पे हायर डेट, हमने नेम का काउंट यहाँ दे दिया। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, डेट वाइज आया। तो कभी कभी आपका ग्रुप हो के आता है, कभी ग्रुप नहीं हो के आता है, तो इसको भी आप ग्रुप कर सकते हो। मंथली चाहिए तो यहाँ पे ग्रुप, आप मंथ सेलेक्ट करेंगे तो आपका मंथली ग्रुप हो जाएगा। अरे एक मिनट, यहाँ एंड जो है इसमें डेट टाइम डाला हुआ है, एक मिनट, राइट क्लिक एंड ग्रुप, ये नहीं ले पा रहा है ग्रुप कुछ कारण से, तो इसमें हो सकता है कोई डेटा ऐसा हो ब्लैंक वगैरह,
लेना चाहिए था इसको, लेकिन लास्ट कितना है हमारा 12-4। एक फिर मैं करके देखता हूँ, राइट क्लिक ग्रुप, तो हाँ आ गया ना मंथ वाइज एंड ओके, अब ग्रुप हो गया। पहले डेट का फॉर्मेट था ना इसलिए नहीं हो रहा था, मैं डेट का फॉर्मेट नंबर में था तो हमने एक दो बार रिफ्रेश किया तो पिवट हमारा अपडेट हुआ। उधर से मंथ और क्वार्टर दोनों चाहिए तो आप ग्रुप में जाए, मंथ और क्वार्टर ले लें तो मंथ और क्वार्टर में ग्रुप हो जाएगा, मंथ और ईयर क्वार्टर चाहिए जो भी चाहिए आप यहाँ पे ग्रुप में सिलेक्ट कर सकते हैं, ईयर चाहिए ईयर भी होगा। लेकिन मुझे ग्रुप करना है 15-15 दिन की गैप डेज में, मतलब डेज करना, लेकिन हर 15 दिन की एक ग्रुप होनी चाहिए क्योंकि हमारा रिपोर्ट या किस तरह की जो भी चीजें हैं वो हर 15 डेज के अकॉर्डिंग चलती है, तो मुझे 15 दिन के अकॉर्डिंग करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डेज को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ डेज दिख रहा है यहाँ पे हम 15 कर देंगे एंड ओके करेंगे, तो ये आपका 15-15 डेज का ग्रुप दिखा रहा है। तो डेट की ग्रुपिंग समझ में आ गई? हेलो हेलो सर, अगर वीक वाइज करना है तो? नहीं, वीक वीक वाइज करना था, 7 दिन का ग्रुप कर दीजिए, हो गया वीक वाइज आपका। नहीं नहीं वो तो ठीक है एक्चुअली, मगर कभी स्टार्टिंग फर्स्ट की होती है मंडे से, कभी सैटरडे से, कभी नहीं, किसी डेट से। कैलेंडर वीक नहीं लेता है आप, एक्सेल में कोई ऐसे फीचर्स नहीं जो कैलेंडर वीक लेगा सर। ओके सर ठीक, पिवट टेबल ही नहीं, किसी भी कोई तरह के वीक नहीं है सर। और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन? ओके तो अब इसमें अगला जो टॉपिक यहाँ पे हम बात करें, अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि राइट क्लिक करते हैं हम यहाँ पे, राइट क्लिक पिवट टेबल के इस पे ऑप्शंस में, तो यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपकी कोई ब्लैंक सेल है उसको जीरो में कन्वर्ट करना चाहे, या एरर है, या जब भी आप रिफ्रेश करते हैं आपका ऑटो फिट हो जाता है, कॉलम बड़ा छोटा हो जाता है, तो सब के लिए यहाँ पे इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। रिपोर्ट आपका डाउन द ओवर है, टॉप टू बॉटम देखता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल फिटिंग में आप मान लीजिए कि आपको कॉलम एंड रो का टोटल नहीं दिखाना है, तो आप देखिए कॉलम रो का टोटल आपका हट जाएगा, तो टोटल नहीं चाहिए तो टोटल आप यहाँ से हटा सकते हैं। डिस्प्ले में आपको क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट चाहिए तो इसका देख सकते हैं, जो आपका जो प्लस माइनस का बटन आता है वो नहीं चाहिए तो यहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। शॉर्ट ए टू जेड या शॉर्ट डेटा सोर्स ऑर्डर, मतलब कि जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा या हमेशा ए टू जेड होगा, तो आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। प्रिंटिंग में जब भी आप प्रिंट करते हैं तो जो लो लेवल है, मतलब रिपीट रो लेवल, मतलब जो रो लेवल है क्या हर प्रिंट में आएगा, या फिर बटन है, मतलब होता ना कि जिसके 5 पेज है तो आपके जो ऊपर का जो हेडिंग है 5वें पेज में आना चाहिए, तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। या प्रिंट टाइटल सेट करना चाहते हैं, जो आपका टाइटल है वो प्रिंट आपका टाइटल में आ जाए, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा में जैसे कि हम जब भी हमेशा इसकी फाइल जो है डेटा के साथ सेव होती है, रिफ्रेश करते हैं जब आपकी ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एनेबल शो डिटेल्स, कि जब भी किसी पे हम क्लिक करते हैं तो उसका डेटा हमें कॉपी होकर नई सीट पे चला जाता है, ऐसी फैसिलिटी को रिमूव करने के लिए हम पिवट टेबल ऑप्शन में जाके डेटा में जाके इसको हम अनचेक कर देते हैं, तो यहाँ पे डबल क्लिक करने पे डेटा नहीं होगा। ठीक है, तो आज की हमने हमारे इस क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि पिवट टेबल में किस तरीके से हम ग्रुपिंग करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं और अपना मूविंग वगैरह करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कल की क्लास में हम पिवट टेबल के ऊपर कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे, तो अगली जो क्लास हमारी होगी वो कैलकुलेशन की पिवट के बारे में होगी। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूं ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है सर, और फिर जैसे कि मैंने बताया था पिवट टेबल को थोड़ा सा स्लोली स्लोली पढ़ना, क्योंकि पिवट टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है,
तो अगली क्लास में हम बात करेंगे पिवट टेबल में कैसे खुद की कैलकुलेशन कर सके।